तो फाइनली मैं आ गई हूँ अपने लास्ट पार्ट में, ब्लॉग के इस लास्ट पार्ट में, क्योंकि आज है गया जी प्रस्थान का वीडियो और ये लास्ट वीडियो है मेरे ब्लॉग सीरीज़ का जो मैं घर गई थी तब का। और इसके बाद फिर से रेगुलर जो रेसिपीज़ के वीडियो हैं वो आने लगेंगे। तो यहाँ पे जहाँ अलग अलग जगह से जो चावल आए थे ना सबको एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि इसको ही ले जाके वहाँ पर पिंडदान करते हैं और कुछ कुछ यहाँ पर भी नियम करते हैं तो वो इसी चावल का करते हैं। और यहाँ पर पापा और बाबा जो गया जा रहे हैं वो शेविंग करा रहे हैं, जैसे वो पितृपक्ष में नियम होता है ना बिल्कुल सेम वैसा ही होता है। तो इसका भी समय निकलता है, वैसे तो ज़्यादातर लोग पितृपक्ष के टाइम गया जी जाते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ समय निकला था तो अभी ही ये लोग जा रहे हैं। तो आज ही के दिन जा रहे हैं और यहाँ देखिए जो भागवत के बाद सारा टेंट वगैरह था वो हट रहा है। यहाँ पर मेरे भाई अभी फ्री हैं तो बस फालतू बात कर रहे हैं। अंकित करवाओ। खैर अब यहाँ पे देखिए पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे जो भी पूजा वगैरह होती है ना, पहले शायद द्वार पे पिंडदान होता है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन लोग की बातें नहीं ख़त्म होती, बच्चे तो बच्चे बड़े भी खूब बात करते हैं जब सब इकट्ठा होते हैं ना। अब हो रही है गया की तैयारी। अब चलिए आपको दिखाते हैं गया में कैसे जाते हैं। तो ये लोग आ गए हैं बाजे वाले जो तो देखिए यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है। पहले द्वार पे पूजा होती है और इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो यहाँ पे एक बार पिंडदान होगा, फिर अलग अलग जगह पे ध्वजा मतलब झंडे को गाड़ा जाता है, उसके बाद यहाँ पे लोग आगे प्रस्थान करेंगे। और उतने देर में जो लेडीज़ हैं हम लोग वो इधर हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा धूप थी तो बस जो पूजा कर रहे हैं वो वहाँ पर ही हैं। और अभी यहाँ और गाँव के जितने लोग हैं ना सब लोग जो गया लेके जाते हैं ना वो लोग विदाई करते हैं। तो अभी एक बहुत अच्छा व्यू रहेगा, बहुत अच्छी जगह जहाँ पे हमारा मंदिर है वहाँ सब लोग जाएंगे, तो वहाँ का जो व्यू रहेगा ना आप देखिएगा बहुत अच्छा रहेगा। और सारे लोग गाँव में, बहुत लोग बाद में भी जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं ना तो गाँव में सब लोग मिलते हुए जाते हैं। तो पहले के टाइम में ना ऐसा मानते थे, मतलब ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता था कि सबको एक साथ, सबके पितरों को एक साथ गया जी में शांत कर मतलब बैठाते हैं, अपना स्थान दिलाया जाता है। अभी देखिए पापा एक ध्वजा लेके आ रहे हैं और इसको सबसे पहले द्वार पे बांधते हैं, कहते हैं ये पूरा एक साल तक ऐसे ही ध्वजा घर के पास रहना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर पूजा हो रही है और फिर जो भी घर के लड़के रहेंगे ना एक एक ध्वजा मतलब एक एक झंडा लेके वो चलेंगे, और जो घर की बहुएं रहेंगी, बेटियों का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, बेटियाँ बस विदा करती हैं। और जो बहुएं होती हैं ना, जो अक्षत सुबह हो रहा था इकट्ठा हो रहा था ना, थोड़ा थोड़ा अक्षत लेके वो लोग पूरे रास्ते छिड़कते हुए जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो घड़े का पानी है ये अभी यहाँ पे गिराया गया है, और फिर ये छोटे वाले दादा जो वाइट शर्ट और ऐसे एक गमछा लेके खड़े हैं तो वो पूरे रास्ते पहले वो आगे आगे चलेंगे ये पानी थोड़ा थोड़ा गिराते हुए, और फिर से गया जो जो जा रहे हैं वो लोग चलेंगे और बाकी गांव वाले और हम लोग सब लोग पीछे पीछे चलेंगे। तो देखिए अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं अपने इष्ट देव के मंदिर, मतलब एक शिव जी का मंदिर है, तो अभी सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ पर भी एक पिंडदान होगा और फिर वहाँ पे ही ये लोग खाना खाएंगे, मतलब गांव से निकलते समय पहले खाना खाया जाता है जो कि घर से ही बन के जाता है, और फिर ये लोग तब गया जी के लिए प्रस्थान करेंगे। और जो गया जा रहे हैं जैसे मम्मी और दादी, तो इनका काम है कि हर जगह ये लोग जाएं और हर जगह ये लोग क्या करें कि अक्षत को छिड़कते हुए जाएं, जो भी जितना भी घर है, मतलब अगर शहर में घर है, गांव में घर है, जहाँ जहाँ भी है तो सब जगह ये इस अक्षत को छिड़क के तभी आगे इन लोग को बढ़ना है। तो देखिए सब लोग गाँव में जा रहे हैं, गाँव का जो वाइब्स होता है ना वो अलग ही होता है। इस समय वहाँ इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे लग रहे थे, और जितना भी हमारे यहाँ जो भी पूजा हुई और सब चीज़ हुई, तो आप सारे ब्लॉग को देखिएगा वन बाय वन करके देखिएगा ना तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए अभी हम लोग निकल गए हैं मंदिर के लिए, तो साथ में बने रहिए, आगे मिलते हैं। Thank you.
यहाँ पे हम लोग मंदिर पे पहुँच गए हैं, तो अभी पापा और दादा परिक्रमा कर रहे हैं शिव मंदिर की, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये लोग यहाँ पे भी पूजा करेंगे, और उसके बाद फिर ग्राम देवता की पूजा होगी, और फिर यहाँ पे पिंडदान होगा। तो अभी आप यहाँ का व्यू देखिएगा, यहाँ का व्यू कितना अच्छा है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक आम का पेड़ कितने लोगों को अपने अंदर छांव दे रहा था। पेड़ की वैल्यू एक्चुअली गर्मी में ही पता चलती है। तो और गाँव में तो ज़्यादा ही इन सब की पूजा होती है, मतलब आप देखेंगे जहाँ भी पूजा का स्थान होगा वहाँ पे पेड़ की भी पूजा ज़रूर होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने पूजा की। ये शिव जी का मंदिर है और ये हमारे ग्राम देवता, जिसने मेरा पहले का 2 व्लॉग देखा होगा उसे पता होगा, और जिसने पहली बार देखा तो आप पिछले का 2 व्लॉग ज़रूर चेक करिएगा, और फिर सबको रिलेट करेंगे ना तो आपको एक बहुत अच्छा वो गाँव वाली जो फीलिंग्स होती है ना वो रहेगी। अभी देखिए, ये एक ही आम का पेड़ है और जितने लोग ये बैठे हैं ना, ये सिर्फ एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये इतना बड़ा पेड़ है आम का। और अगर हम सारे लोग हों, हम सारे भाई बहन और कुछ ब्लंडर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हुआ क्या कि अब यहाँ पे सब लोग आ गए हैं और सबको खाना खाना था, मतलब जो गया जा रहे हैं उनको खाना खाना था। खाना आ गया लेकिन प्लेट नहीं आया। अगर शहर में होते तो शायद दौड़ के लेते आते। अब घर पे जाने में थोड़ा टाइम लग रहा था और पापा लोग को खाना खाना था, तो हमने एक जुगाड़ लगा दिया। यहाँ पे एक होता है ढाक हमारे यहाँ, और सबके यहाँ भी प्लेट जो पत्ते के बनते हैं ना, अलग अलग चीज़ों से बनते हैं, तो हमारे यहाँ इसे ढाक कहते हैं। ये इसका पेड़ था, तो बस फटाफट से जो चाचा लोग हैं ना यहाँ पे, जो गाँव वाले सब थे, उन लोग ने इसे तोड़ के और इस तरीके से इसके पत्तल बना दिए। तो पापा और दादा ने इसी पे खाना खाया। तो पहले के टाइम में ना, ये पहले तो पत्तल ही मिलता था, जब थर्माकोल वगैरह नहीं था तो हमारे यहाँ इसी का पत्तल बनता था। और यहाँ पे गाँव की जो भी चाची लोग हैं ना, मम्मी लोग सबके साथ फ़ोटो शूट करा रही हैं। कितनी भी आप गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये लोग फ़ोटो ज़रूर क्लिक कराते हैं। मैं यहाँ से गायब हूँ क्योंकि मैं मैनेज कर रही थी ये पत्तल वगैरह का, ये डांट ना पड़े। अभी यहाँ पे एक और नियम था कि जो खाना है ना ये बहुएं खिलाएंगी। तो देखिए, ये दीक्षा और वो दादी हिना दादी वो ब्लू साड़ी में, तो ये लोग ही खाना खिला रही थी। और उसके बाद ये लोग अब यहाँ खाना खा के फिर घर से कुछ खाना लेके और फिर ये लोग सीधे गया में ही जाके वहाँ पे खाना खाएंगे। तो क्योंकि गया तो सारे बड़े गए थे, तो वहाँ पे कोई इतना एक्टिव था नहीं कि कोई भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करे। और ये मेरा भाई अपनी बेटी को, एक ज़िम्मेदार पिता होने का फ़र्ज निभा रहा है, उसको खाना खिला रहा है। यही सिंगल काम इसने किया है बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए, सब खाना खा लिया है सबने। अब यहाँ पे विदाई का टाइम आ रहा है। तो अभी ये बीच में जो मेरी छोटी दादी है ना, वो सबको, ये चाचा से मेरे छोटे चाचा हैं, तो उसे सबको माला वगैरह पहनवाएंगी और फिर सबकी अब यहाँ पे विदाई होगी। तो ये थोड़ा सा ना इमोशनल मोमेंट हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ शायद 7 पुश्त से कहते हैं कि, मतलब 7 जनरेशन से कोई भी गया नहीं गया था। हिंदू धर्म में मानते हैं कि जो आपके पूर्वज होते हैं ना, उनको गया में स्थान दिया जाता है, बहुत मान्यता है। तो ये पापा मम्मी और दादा दादी पहले ऐसे हैं जिन्होंने 7 जनरेशन में पहली बार वहाँ पे लोगों को स्थान दिलाया। तो सब बहुत खुश थे, और गांव वाले तो बहुत, बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, मतलब मम्मी लोग आगे आगे निकलते जा रहे थे और फिर वहाँ पे भीड़ होती जा रही थी। तो वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने बस यहीं तक के इनको विदा किया और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। अभी देखिए, यहाँ विदाई का मूवमेंट चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा सब इमोशनल हो रहे हैं। Thank you.
ही अब हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ से अब ये लोग प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे गांव के ही दो भगवान हैं, एक हैं वासुदेव महाराज और एक हैं चौरा माता, जो हर गांव में होते हैं। तो अब यहाँ के बाद अब ये लोग फिर निकल जाएंगे गया के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग से आपको, अगर आपने तब देखा है जब आपके यहाँ कोई गया जाने वाला है, या फिर आपने जिस इंटेंशन से भी देखा है, तो हो सकता है कि मेरे इस वीडियो से आपकी कुछ क्वेरी रिजॉल्व हुई हो। अगर कुछ हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि शायद मेरा ये वीडियो किसी की हेल्प किया, क्योंकि मैं भी जब मेरे यहाँ जाने वाले थे तो मैं भी बहुत सारे वीडियोस देखती थी कि कैसे करते हैं। तो ये देखिए अभी आ गए यहाँ पे चौरा माता पे, मतलब यहाँ पे हमारी शीतला माता का मंदिर है ये। और यहाँ पे इसके बाद फिर एक वासुदेव महाराज है, वहाँ पे पूजा होगी और फिर यहाँ से ये लोग प्रस्थान करेंगे। आज के इस टाइम में जब हर कोई अपने से मतलब रखता है, तो इस वीडियो में आपको मैंने जितना भी वीडियो मैंने अपडेट किया उसमें आपने देखा कि गांव के लोग अभी भी एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये गर्मी में इतना खड़े रहें, लेकिन हर कोई एक दूसरे के दुख में सुख में और हर समय एक दूसरे के साथ खड़ा होता है। तो अभी वो चीज़ मुझे गाँव में देखने को मिली, जबकि शहर में बिल्कुल ये ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए बहुत लोग आए थे जबकि गर्मी थी, चाहते तो ना आते। और आज जो लोग भी जा रहे थे ना, तो हर कोई कुछ कुछ पैसे दे रहा था। तो जब आज के टाइम में इतना ज़्यादा कॉम्यूनल डिस्क्रिमिनेशन है, उस टाइम भी हमारे यहाँ के जितने भी हर धर्म के लोग आए थे पापा को विदा करने, और मतलब जो लोग गया जा रहे थे उसमें, मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो बाबा, अगर मुझे वो वीडियो में दिखते हैं तो आप देखिएगा कि वो पापा के पास आते हैं, पापा से मिलते हैं, उनको अपने हाथ से कुछ पैसे देते हैं, वो मुस्लिम है। तो मतलब गांव में अभी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। स्पेशली मुझे तो बहुत प्राउड है कि मेरे गांव वाले सब बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए, ये हैं सद्दीक बाबा, जो अभी पापा को पैसे दे रहे हैं और हाथ जोड़ा है ना जिन्होंने ब्लू लुंगी में, वो हैं सद्दीक बाबा। तो अभी भी हमारे यहाँ सब लोग बहुत मिल के रहते हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे गांव में। और मतलब हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो सबसे मिलजुल के रहने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैंने जो भी सीरीज़ इसमें जो मतलब इसमें शेयर की, और यहाँ पे देखिए इन लोग की हो गई विदाई। और फिर अब ये लोग जब लौट के आते हैं ना, तो एक छोटी सी क्लिप लास्ट में डाली है, वो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और पूरी सीरीज़ को एक साथ देखिएगा ना तो ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। अब वापस से अपने नॉर्मल व्लॉग में मिलूँगी रेसिपीज़ वाले, तो मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपीज़ वाले व्लॉग में। और हाँ, जब ये लोग लौटते हैं ना तो इनके पैर धुले जाते हैं, वो मैं आगे क्लिप ऐड करूँगी, तो वो ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, नहीं अब रेसिपी वाले व्लॉग में मिलती हूँ। नमस्ते, बाय, थैंक यू। Yeah, I'm not going to do that.